हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। हाँ जी, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग आए हैं अलवर में, और अलवर सिटी के अंदर इस टाइम हम लोग खड़े हैं सिलीसेड लेक पे। और सिलीसेड लेक का जो एंट्रेंस है अलवर सिटी से करीब करीब ये पड़ जाती है 18 से 20 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे पर पर्सन एंट्री 100 रुपीज़ है। और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत पहाड़ों के बीच में घिरी हुई लेक है, और जो इसका व्यू है बहुत औसम है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं सिलीसेड लेक का और बाकी पूरा अलवर का ट्रिप कराएंगे। तो आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ और एंड तक इस वीडियो को देखिए ज़रूर। सिलीसेड लेक अलवर सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं किसी से पूछ के कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं कलेक्ट्रेट कहाँ है। कलेक्ट्रेट में पार्किंग करके यहीं से स्टेयर्स जाती हैं 20-25 स्टेयर्स, और आप सीधा मूसी महारानी की छतरी में पहुँच जाएंगे, जो एक बहुत ही ऑसम और बहुत ही सुंदर हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर आप लोग काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। मूसी महारानी की छतरी एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है ये आप देख सकते हैं रेड स्टोन का बना हुआ है, और जो सेकंड फ्लोर है वो आपका वाइट मार्बल से बना हुआ है पूरा का पूरा। और बाकी ये पूरा पाथवे है जो अच्छी तरह से बढ़िया से रॉक्स लगा लगा के बनाया गया है। मूसी महारानी की छतरी जो है ये महाराजा बख्तावर सिंह की वाइफ थी मूसी, उनकी याद में बनाई गई है। बख्तावर सिंह यहाँ पे महाराजा थे, और जब वो मरे तो उनके साथ उनकी वाइफ ने सती हो गई थी, तो उनके बेटे महाराजा विनय सिंह ने 1815 में बनाई थी ये उनकी याद में।
और यहीं पे उन दोनों की समाधि भी है इसी छतरी के अंदर। सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने बनाई गई है, सिटी पैलेस काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे नीचे एक पॉन्ड टाइप का बनाया गया है जहाँ पे शायद ये लोग उस पानी को यूज़ करते थे रेगुलर कोर्स के लिए। मुसी महारानी की छतरी की बैक साइड से ही एक पाथवे जाता है जिससे आप थोड़ा आगे तक जाके पीछे मंदिरों तक जा सकते हैं। यहाँ से जब वॉक करता हुआ मैं गया तो काफ़ी बहुत शांत जगह है। यहाँ पे भी काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं इस रास्ते में भी, और इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पे सिटी पैलेस है। तो एक साइड सिटी पैलेस है, दूसरी साइड इस सिटी पैलेस का ही एक रास्ता वगैरह है। ये वो पॉन्ड है, यहाँ नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं गेट से, बट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑसम जगह है। और यहाँ पे कुछ काफ़ी मंदिर भी हैं जहाँ पे शायद रॉयल फैमिली वाले लोग पूजा करते होंगे। मंदिरों के ऊपर अरावली रेंज है, अरावली के ऊपर एक मंदिर और है जो यहाँ अलवर का बहुत फेमस मंदिर है, करणी माता मंदिर। ये महल बना हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल ऊपर सन बना हुआ है, सूर्यदेव की एक फोटो टाइप की बनी हुई है, और लेफ्ट साइड में भी कुछ बना हुआ है और इधर राइट साइड में भी कुछ है, वो दोनों समझ नहीं आ रहे मुझे क्या है, बट सेंटर में तो सन है, तो शायद ये सिग्निफाई करता है कि ये सन सूर्यवंशी जो है उनके लिए। यहाँ नीचे रास्ता बनाया हुआ है कि आप साइड से जाके देख सकते हैं, बट जो पॉन्ड है उसके आगे ग्रिल्स लगा दी गई हैं, और यहाँ से ये पाथवे है जिससे आप वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं मुसी महारानी की छतरी की तरफ। तो जगह काफ़ी औसम है। मुसी महारानी की छतरी से ये व्यू दिखता है अरावली रेंज का और साथ में नीचे अलवर सिटी का, और ये है जो मुसी महारानी की छतरी का सेकंड फ्लोर है जो वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये मुसी महारानी की छतरी के अंदर ये छतरी दिख रही है, और छतरी का मतलब डोम हो गया, जो डोम बना हुआ है, और अंदर की तरफ यहाँ पे ये चार साइड्स पे शायद चार एंजल्स बनाए हुए हैं, और पूरे अंदर से जिस तरह की नक्काशी की हुई है आप देख सकते हैं, मतलब उस टाइम की भी जो इंजीनियरिंग थी लोगों की, जो कला थी वो कितनी औसम थी कि वो पत्थरों के ऊपर ये सब कर लेते थे। ये अगर आप लोग ऊपर वॉल देख सकते हैं तो ये रास्ता है मुसी महारानी की छतरी से डायरेक्ट बाला किला जाने का, जो बाला किला यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ से पूरी अलवर सिटी का व्यू आपको बहुत औसम तरीके से दिखता है। बाला किला बाय रोड भी जा सकते हैं, बट रास्ते में करणी माता मंदिर पड़ता है, तो नवरात्रों की वजह से रास्ता बंद कर रखा है, तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ज़रूर आप लोगों को लेकर जाएंगे। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक मेरी तरफ से बाय और जय हिंद।